एक दो सॉक्स पिंक कलर की वो भी पहन लेता है यार। तो सॉक्स में कोई जेंडर थोड़ी होता है। अब मेरे को मेरी वाली मिली नहीं तो मैं पहन लिया, मेरी ड्रेस भी पहन ली अगर सलवार सूट पहनते पिंकू ने जा उठा दिया भाई। बाकी ना नितिन ने टिका काफी लंबा निकाल दिया भाई, डाकू मंगल सिंह बना दिया मेरे को भाई ये बंदा ना पागल है, कान के फोन लगाए हुए है, बात कर रहा है, मेरे को पूछ रहा फोन का है, मेरे का कान के तो लगाया हुआ है, हो गया भाई निहाल तू। ये मेरा दिल चीख जाए क्यों हो गए हो पराए। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अभी सीन ऐसा है, फिलहाल टाइम हो चुका है 11:12 हो चुके हैं भाई, 11:12 तो हाँ 11:15 हो चुके हैं। मस्त अपने रूम में बैठा था और गाइस चाय वगैरह सब कुछ पी लिया लिटली। गाइस आज इतनी ठंड हो चुकी है ना, अभी ना मैं ब्रश करके आया, मुंह धो के आया हूं, उसकी वजह से ना इतना ठंडी लगी है ना, लिटली हवा निकल गई भाई, और आज ठंड बहुत नजायज हो रखी है। और गाइस फिलहाल आए छत पे और आप ये देख सकते हो कितनी फोग हो रखी है भाई, कितनी नजायज फोग है ना आज भाई, कुछ नहीं दिख रहा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था उसमें ना थोड़ा बहुत दिख रहा था, बट अब ना साढ़े 11 होने वाले हैं और कितना कोहरा हो रखा है भाई। लिटरली आपको ठंड दिखाने के लिए छत पे आया हूँ, और मैं इससे भी सुबह आया था तो और भी हो रखी थी, अब तो ना धीरे धीरे कम हो जा रही है, धुआं निकल रहा भाई मुझसे। चलो वहीं से चलते हैं, शुक्रमैन टोपी पहनी हुई है। और गाइस ये देखो मैंने ना कपड़े धो दिए थे, बट अभी भी ना टप में रखे हुए हैं, बिकॉज ना ऊपर सुखा रहे थे, ऊपर तो भाई ऑलरेडी इतनी फोग हो रखी है तो ऊपर सामने कोई तुक तो है नहीं, तो मम्मी कहती है कि भाई धूप निकलेगी तब सुखाएंगे, तो एक बार ना इनको यहीं रहने देते हैं। और भाई मम्मी ना सुबह सुबह कपड़े धोती है यार, मतलब मानना पड़ेगा यार, इजी नहीं होता यार, हमसे सुबह उठा जाता है, मम्मी सुबह सुबह कपड़े धो के फ्री भी हो गई है। देखो यार एक काम करता हूँ, जाएगा ना ओढ़ी लेता हूँ भाई, ठंड लग रही है। बिकॉज ठंड में क्या है कि अगर कहीं से एक पार्ट भी ठंड लगे ना तो पूरी बॉडी में ना भाई सब कब कभी छूटती है, इतनी ठंड लग रही है भाई। और मैं तो ना ये कहाँ गया, ये वाला है ना मस्त, ये वाला ना ऐसे मुंह पे ना पहन के बैठता हूँ, अब नहीं पहन रहा वो बिकॉज व्लॉग शूट कर रहा हूँ ना। ये बैग मैंने इसे निकाला बिकॉज इसमें ना उर्दू वाली कॉपी है, दादाजी ने जो मेरे को काम दिया था ना तो वो भी करना है, सोच रहा था कि आज कर लूँ, गए तो संडे को था, आज मंगलवार हो चुका है, अब जाके करूँगा भाई, तो देखते हैं क्या बाकी ना टॉपिक तो उन्होंने दे दिया था मेरे को, अभी लिखूंगा। और गैस ये देखो मैंने पुराने वाले फ़ोन के ना जो ग्लास कार्ड लगवाया था ना नीचे से यार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लगता है कि अभी टूटा हुआ है यार, इनफैक्ट है न्यू। बाकी ना भैया ने मेरे को कहा था कि ग्लास कार्ड लगवा तो रहे हो, बट नीचे से जो स्क्रीन है टूटी हुई ना उसकी वजह से ना ग्लास के बीच में हवा रहेगी, मेरे को लगा कि थोड़े बहुत बबल आएंगे, बट ये थोड़ा पता था कि नीचे से बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। पहले बात तो गाइस ये कि जो मैंने लिखा आपको समझ नहीं आया होगा, तो गलती मेरी कि मैंने आपको पहले बताया नहीं, जो मैंने ऊपर हेडिंग लिखी थी वो थी नया साल, और जो टॉपिक है वो मेरे को नया साल मिला है, दादाजी ने मेरे को कहा था कि नए साल में लिख के लेके आ, थोड़ी उसके बारे में लाइन आपको पढ़ के बताता हूँ कि नए साल का मतलब नए साल की शुरुआत होना, यानी कि बेसिक लाइन से शुरू किया है। तो हाँ अब इसको मेरे को पूरा लिखना है, देखता हूँ कि मैं संडे को जाऊँगा या बीच में चला जाऊँगा, बाकी दादाजी ने कहा कि थोड़ा साफ साफ और आराम आराम से लिख के लेके आओ, कोई जल्दबाजी मत करो। गाइस लग तो रहा है कि मौसम थोड़ा खुलेगा, तो ना ये टप ऊपर छोड़ के आने हैं, फाइनली कपड़ों के टप ऊपर ले आया था भाई एक के ऊपर एक रख कर। और गाइज अब देखो अब नहीं इतना फोग, बिल्कुल डाउन हो गया, और भाई सामने ना मेला लगेगा, वो सामने आप देख सकते हो छोटी छोटी स्टॉल लगी हुई है, अभी ना स्टार्ट होगा इन दिनों में। और गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आप में से कौन कौन लोग हैं जो हमारे घर की जो पीछे जो लोकेशन है, यानी कि जो ये लोकेशन है, इसको कौन कौन लाइक करता है, यानी कि कौन कौन चाहता है कि हमारे घर के पास भी कुछ ऐसा व्यू हो। भाई मैं तो काफ़ी अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ कि भाई ऐसी जगह है यार, नो डाउट छत को ना कुछ ऐसा बनाएंगे जो कि इसको ना और ज़्यादा बढ़िया कर दे, लाइक बैठने का या कुछ बढ़िया बनाएंगे मतलब। और आज के दिन की एक विश और है कि भाई धूप निकल जाए यार, धूप निकलते हैं ना बाहर कहीं जाएंगे, निकलेंगे और घूम के आएंगे कहीं। और इतने मैंने उर्दू का काम इतना लिख लिया, पूरा ऑलमोस्ट पेज भरने वाला है। मैं ना जनरली ना 2-3 पेज ही लिखता होता हूँ, सो अब देखता हूँ कि अब कितने पेज लिखूंगा। और भाई मेरी सिस्टर मेरे को ना ये लेडीज जुराब दे रही है कि ये पहन ले, ये पहनता है गाइस, पहनता है ये। मैंने कहा पहननी है बताइयो, रात को रूटीन में पहन के सोता है भाई यार मेरे को ना कभी मम्मी की ये सॉक्स मेरी मम्मी की। यार एक बार बताऊं क्या बात हुई थी, मेरे को ना मेरी वाली मिली नहीं थी और लिटरली मेरे को ठंड लगी थी, मैंने ये वाली पहन ली, रूटीन में पहनता गाइस, शर्म भी नहीं आती। रूटीन में कहां पहनता हूं, एक दो सॉक्स पिंक कलर की वो भी पहन लेता है ये यार। तो सॉक्स में कोई जेंडर थोड़ी होता है,
अब मेरे को मेरी वाली मिली नहीं तो मैं पहन लिया मेरी ड्रेस भी पहन लिया अगर सलवार सूट पहन क्या कर दिया ये ना मम्मी की सॉक्स है ये ना कभी कभी मैं पहन लेता हूँ जब मेरे को मेरी वाली नहीं मिलती ना तब पहन लेता हूँ यार मैं भाई और दो काम खत्म करके ना फिलहाल बड़े वाले रूम में आया हूँ और आप देख सकते हो मम्मी जी ने सोए हुए हैं बिकॉज मम्मी जी का ना सुबह सुबह काफी ना कफ का जो प्रॉब्लम हो गई थी ऐसे खांसी वगैरह तो मैं सुबह सुबह गया था भाई दवाई लेने क्लिनिक पे तो अभी रेस्ट कर रहे हैं बाकी पिंक को जो ऊपर है वो कपड़े वगैरह सुखा रही है और बड़े सिस्टर यहाँ पे पता नहीं अपना सूट वगैरह सिल रही है और व्लॉग देख रही है ये सही है भाई LED लगी हुई है मस्त व्लॉग देखो मैं भी आया हूँ कुछ देखूंगा थोड़ा मोटा थोड़ा टाइम पास हो जाए बाकी फिलहाल क्या टाइम हो चुका है 1 बजने वाला है अभी तक तो खाने का कोई प्रोग्राम नहीं है अभी खाना क्या बनेगा खाना अभी बनाऊं क्या खाना अभी तो नहीं भूख तो नहीं इतनी बाकी पापा जी आते हैं पापा जी के साथ ही खा लेंगे ठीक है भाई व्लॉग देख देखते बात कर रही है थोड़ा इधर फोकस कर ले व्लॉग में आ रही है तू किस में है भाई मम्मी की ना खांसी हुई थी अपना बुखार और हो गया अपना ज्यादा तबीयत डाउन हो रखी है तो दवाई दे रहे हैं अचानक से भाई ना ठंड चढ़ गई है जो कि मेरे को पता ही था बिकॉज जो ठंडे पानी से कपड़े धोते हैं ना तो उससे हो जाता है भाई मैंने कहा भी था मम्मी को मत करो थोड़ा रेस्ट कर लो उसके बाद धो लेना बट मम्मी कहते हैं कोई ना अब धो ही रही हूँ तो क्या दिक्कत है तो अब ज़्यादा भी डाउन होगी बाकी कोई ना जस्ट ठंड चढ़ चुकी है वो नॉर्मल हो जाएगा भाई तो गैस फिलहाल टाइम हो चुका है 2 लंचेस हो चुके हैं मस्त अपने भाई साहब एक बार खाने के लिए पास्ता आ चुके हैं तब तक भाई ना लंच नहीं बना बिकॉज पापा जी अब आए हैं तो अब बनेगा इतना भाई पास्ता खा रहे हो काफ़ी टेस्टी बने ये मस्त पास्ता भी फिनिश हो चुके हैं अब भाई सिस्टना खाना बना रही है तो अब खाना खाएंगे कितना टाइम हो चुका है 3 बजने वाले हैं भाई अब जाके खाएंगे खाना फाइनली गाइस धूप आ चुकी है चलो भाई नीचे अपना खाना रेडी है फाइनली गाइस धूप तो निकली और इसके बाद अपना खाना रेडी है भाई चलो खाते हैं तो लो भाई खाना पीना भी हो चुका है तो गैस फिलहाल आया था मम्मी जी के लिए वापस से दवाई लेने बिकॉज तब भी थोड़ी ना और ज़्यादा डाउन हो गई थी लिटरली बुखार वगैरह हो गया था भाई मेरे को अब नहाना है और गीजर के लिए जो सिलेंडर होता है वो खत्म हो गया तो न्यू सिलेंडर लगाएंगे भाई अब पुराने वाला हटाना पड़ेगा उसके आगे इतना सामान पड़ा था जूते का रहा है कोई बॉक्स वगैरह सब उठा के अब लगाएंगे भाई सिलेंडर इसको उठा के वहाँ रख दे क्यों मेरे बराबर खा तो लेती है उठाया नहीं जाता उससे वेट उतना उठा के दिखा एक बार उठाए बार भैया वापस आ चुके हैं मेरी शिकायत लगाकर ले उठाए इसको उठा के दिखाए एक बार फिर ले आएंगे सिलेंडर गीजर का उठा के दिखा सच में उठा दे इतनी नौटंकी कर रही है ये उठा ओ बस 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 गिर जाएगा अब गैस मैं उठाता हूँ देखता हूँ कितना उठा पाता हूँ पिंकू ने जा उठा दिया भाई ना बिल्कुल न्यू सिलेंडर था देख लो अभी इसकी सील उतार रही है वाली और देख लो भाई अभी यहाँ हमने उठा दी तो सिलेंडर लगाते हैं फाइनली सिलेंडर लग चुका है और गीजर भी चल चुका है भाई ये वाला भाई पुराना वैसे गाइस आपको ना पता तो लगेगा नहीं बिकॉज सभी सिलेंडर जैसे होते हैं रेड कलर के और हाँ बाकी मैं नहाने को जा रहा था बट पापा जी आ चुके पापा जी बोले भाई मैं नहाऊंगा बिकॉज पापा जी मंदिर जाएंगे चलो पापा जी तो एज यूजुअल हर वीक जाते हैं मंगलवार को सालसर धाम बट आज मेरा प्लान है बट पापा जी कह रहे हैं कि वो पहले नहाएंगे चलो कोई नहाऊ को नहा देते हैं फिर मैं नहाऊंगा भाई इसको साइड में कर देते हैं और भाई फिलहाल ये पिंकू गरम गरम चाय देने थैंक यू बहन तो गाइस फिलहाल टाइम हो चुका है 4:57 हो चुके हैं यानी कि 5 बजने वाले हैं और मेरे को निकलना होगा बिकॉज मैं नितिन ना काफ़ी देर से वेट कर रहा है इनफैक्ट मैंने उसको ना 3:30 फोन कर दिया था कि अभी ऐसे ऐसे करके चलेंगे बट ना फिर पापा जी आने लगे तो ऐसे करके टाइम निकल गया तो फिलहाल मैं तो रेडी हो चुका हूँ फाइनली गाइस मैं नितिन भाई के पास भी आ चुका हूँ एंड ही इज़ द वन नितिन भाई नमस्कार भाई साहब नमस्कार तो लो भाई मंदिर तो पहुँच चुके हैं पर गाइस आप क्या देखोगे जो सामने ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना यहाँ पे ना मेन गेट बनेगा बड़े वाला आज मंगलवार है तो काफ़ी भीड़ मिलेगी तो चलो भाई अंदर चलते हैं प्रसाद का नहीं पता प्रसाद कहाँ मिलेगा ओ अच्छा यहाँ है भाई प्रसाद का यहाँ से ले लेते हैं भाई पीछे तो भीड़ थी फाइनली भाई प्रसाद भी ले लिया है और नितिन ने भी ले लिया भाई मंदिर में जाने से पहले यहाँ शूज़ उतारेंगे भाई पर मैं तो स्लीपर पहन गया हूँ तो उतार भाई शूज़ फाइनली गाइस टोकन भी ले लिया है भाई ये तो हाथ धोने गया है और आज भाई मंदिर को काफ़ी अच्छी तरह सजाया हुआ है अंदर से चले अंदर
भाई देखियो मौसु भाई खड़े हैं। फाइनली गाइस दर्शन कर रहे हैं। ये ना टोकन को लेके मजाक कर रहा है कि टोकन कहाँ गया, अभी मेरे ना धड़कन बाहर आ गई थी। फाइनली स्लीपर्स पहन लिए तो चलते हैं भाई। बाकी ना नितिन नित्ती का काफी लंबा निकाल दिया भाई, डाकू मंगल सिंह बना दिया मेरे को भाई। मैं चला जा रहा हूँ, इसने शूज ही नहीं पहने अभी मेरे को लगा पीछे पीछे आ रहा है। पहन ले भाई पहन ले, आराम से पहन ले। फाइनली नितिन ने शूज पहन लिए भाई साहब, जल्दी पहन लिए थे तो भाई फिलहाल ठंड काफी हो गई, घर को निकल रहे हैं। भाई ये बंदा ना पागल है, कान के फोन लगाए हुए है, बात कर रहे हैं, मेरे को पूछ रहा फोन गया है, मैंने कहा कान के तो लगाया हुआ है। हो गया भाई निहाल तू कॉल जा रही है मेरा। ओ कहता फोन, मैंने कान के तो लगाए हुए है। दोस्तों मेरे साथ ना एक घटना घटी हुई है, वो फुर्सत में कभी बताएंगे। तो भाई नितिन भाई का घर आ चुका है। ओके भाई ठीक है भाई चलते हैं। ओके चलो भाई घर भी आ गए हैं और फाइनली गाइज पूजा पाठ भी हो चुकी है। तो गाइज फिलहाल टाइम हो चुका है 8:30 हो चुके हैं एंड फिलहाल कर रहा हूँ मैं अपने सन्नी भाई से बात। हेलो गाइज। और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताओ? बढ़िया एकदम सिरा। व्लॉग्स देखते हो मेरे? डेली भाई डेली। अच्छा स्पोर्ट रखना, स्पोर्ट फुल स्पोर्ट है भाई, पूरा है स्पोर्ट फुल। अच्छा अच्छा बस ऐसे ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग लाते रहो हमारे आगे, यही है बस। कोशिश तो ये रहती है भाई कि डेली व्लॉग्स करूँ, अच्छे अच्छे करूँ। मैं तो मेरा 100% नहीं 1000% देता हूँ, बाकी हाँ धीरे धीरे सीख रहा हूँ। भाइयों का प्यार है, आप जैसे भाई का प्यार और क्या चाहिए। तो गाइज अपना एज यूजुअल बादाम वाला दूध आ गया और थोड़े मैंने नमकीन ले लिए दूध के साथ में। तो गाइज फिलहाल टाइम हो चुका है 10:15 हो चुके हैं, तो हाँ मस्त दूध वगैरह सब पी लिया। बाकी ना मेरा ये चौथा दिन है जब मैं रात को खाना नहीं खा रहा। बाकी ना मम्मी की तबीयत ज़्यादा डाउन हो रखी थी, अब ठीक हो रखी है, ठंड चढ़ गई थी भाई तो अब नॉर्मल है। तो हाँ फिलहाल स्लो एंड ये था आज का ब्लॉग। आई होप क्या ब्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगा प्लीज वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो बाय, टेक केयर, बाय गाइस। मैंने छोड़ के नहीं जाना कभी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कभी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कभी।